जिस क्षण की हम सब लोगों को प्रतीक्षा थी, अब वो क्षण आ गया, चूंकि समय की सीमाएं आप लोग जानते हैं। अब मैं अपने प्रचुर खनिज संपदा से भरपूर इस छत्तीसगढ़ राज्य के प्रचुर क्षमताओं वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो आज हम लोगों के इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भी हैं, जिनको सुनने के लिए हम लोग बेताब हैं, और जिनकी अगुवाई में, जिनकी लीडरशिप में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में, शायद ये पहला राज्य है जिसने स्टार्टअप इंडिया का श्री गणेश किया था सर, तो मिलकर गले और चल सकूंगा न मैं किसी के साथ, जिसको चलना है वो मेरे साथ चले, ऐसे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से निवेदन है कि वो आए और हम लोगों को अपने आशीर्वचन दें। डॉक्टर रमन सिंह, आज कई अवसर नेशनल कन्वेंशन ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट और इसका उद्घाटन का ये अवसर, 3 दिन चलने वाला ये आयोजन, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा पूरी टीम को जिन्होंने UCSI के इस कम अवधि के कार्यकाल में भिलाई चैप्टर ने जबरदस्त अपना काम करके अपनी पहचान बनाई है, और इतना बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में करने का आपने ये प्रयास किया है जो सफल हुआ है, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। खास तौर से प्रेसिडेंट SJ पलोके, डॉक्टर AK मित्तल वाइस प्रेसिडेंट, DK श्रीवास्तव ED, योगेश टेगन चेयरमैन UCFI भिलाई, SP सिंह, निशांत त्रिपाठी चेयरमैन संकरा, SK त्रिपाठी, मुझे लगता है कि आज जो उपस्थिति 450 संस्थाएं और उनके अलग अलग 1500 टीम में क्वालिटी सर्कल के जो प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण देंगे, मुझे लगता है कि आज एक ऐसे युग में हम खड़े हैं जहां पुरानी सोच को छोड़कर नए विचार को न केवल प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, वर्क कल्चर में, और जो हमारे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट और डेडिकेशन कैसे लाया जा सकता है, ये एक बड़ा स्किल है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को लंबे समय जीवित रहने के लिए न केवल कॉस्ट में हमको कंट्रोल करना है, क्वालिटी में कंट्रोल करना है, बल्कि एक वर्क कल्चर भी वहां डेवलप होगा उस इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सर्वाइव करेगा। इसके बिना वो शिक्षा के संस्थान हो, इंडस्ट्रियल हाउसेस हो, या अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे और बड़े उद्योग के वो क्षेत्र हो जहां बड़े संख्या में मजदूर भी रहते हैं, मैनेजमेंट के लोग भी रहते हैं, और यही एक चीज है जो हमको इस युग में, जब केवल छत्तीसगढ़ का मार्केट छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, महाराष्ट्र का मार्केट महाराष्ट्र के लिए नहीं, गुजरात का बाजार गुजरात के लिए नहीं, न केवल देश के लिए कंपटीशन के लिए खड़ा है, बल्कि दुनिया के बाजार के कंपटीशन में हम खड़े से खड़े हो सकते हैं, इसके लिए इस बात का विचार सभी क्षेत्रों में हो रहा है, और इसके ये जो प्रयास आप कर रहे हैं, इस प्रयास का नतीजा निकलेगा कि हम सभी क्षेत्रों में कैसे क्वालिटी इम्प्रूव करें। आज मुझे खुशी है कि रेलवे से लेकर एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले, भिलाई स्टील प्लांट से लेकर, राहुल केला से लेकर, पार्ले और दूसरे ऐसी कंपनियां, और उन्होंने जो काम किया है, जो इनोवेशन किया है, जिसका प्रेजेंटेशन दिखाएंगे और शेयर करेंगे, ये सारी बातें जब आपस में हम शेयर करते हैं, एक दूसरे की जानकारी मिलाते हैं, तो ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए भी उपयोगी होता है, दूसरे संस्था के लिए भी उपयोगी होता है, वो एजुकेशन के हो, हेल्थ के हो, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, और उसमें काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी मैनेजमेंट के लोग हैं उनके बीच के जो डायलॉग है, उनके बीच में यदि हम इस काम को लगातार करते रहे
तो एक वर्क कल्चर बढ़ता है दुनिया के सारे देशों में। एक तरफ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट है, दूसरे साथ साथ जितना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में किया है उनके R&D के लिए, इनोवेशन के लिए उतना ही बड़ा सेक्टर काम करता है। दुनिया के बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी जाने का अवसर मिला मुझे, मुझे देखकर आश्चर्य भी हुई, खुशी भी हुई कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना बड़ा बजट नई तकनीक के साथ, नए इनोवेशन के साथ, कितने बड़े बड़े ग्रुप उनमें काम कर रहे हैं। और ये युग कंपटीशन का है। आज जो प्रोडक्ट मार्केट में नंबर 1 है, कोई जरूरत नहीं है कि वो कॉम्पिटिशन में 1 साल बाद 2 साल बाद मार्केट में रहेगा। कितने टेलीफोन, कितने आईफोन के नाम सुनते थे, वो बाजार से गायब हो गए क्योंकि वो पुराने परंपरा को ही अपनाए हुए थे। जो रोज नया काम करेगा, रोज नया इनोवेशन करेगा, वही मार्केट में कब्जा करेगा। एक जमाना था जब क्वालिटी के लिए बात होती थी जर्मन की, जापान की, उस समय कहा जाता था, और उस समय चाइना के प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही गिरी दृष्टि से देखा जाता था। आज उसने उस कंपटीशन में खड़ा होके दुनिया के बाजार का बड़ा शेयर इसलिए ले लिया कि इतना न केवल उसने क्वालिटी पे ध्यान दिया बल्कि उसने उसके कॉस्ट को भी कैसे हम मार्केट लायक कर सके। आज न केवल छोटे छोटे पेन से लेकर बाकी चीज बनाने से लेकर स्टील से लेकर सीमेंट के लिए यदि दुनिया के बाजार में उसका दबदबा है, हर्बल मेडिसिन पे यदि उसका दुनिया में बाजार में यदि दबदबा है, तो ये सारी चीजें जो आप छत्तीसगढ़ में जिस प्रयोग को कर रहे हैं नेशनल कन्वेंशन ऑफ क्वालिटी कंसेप्ट में जो हम शेयर कर रहे हैं, इस विषय को उन्हें पूरी गंभीरता के साथ किया। और हमने भी इनोवेशन के लिए नई पॉलिसी बनाई है, स्टार्टअप के लिए पॉलिसी बनाई है। हम न केवल इसमें इंडस्ट्री को जोड़ रहे हैं बल्कि हमारे कॉलेज जितने हैं उनको जोड़ रहे हैं, अलग अलग बूट कैंप लगा रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो नई चीज, नई तकनीक भी आती है वो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस से नहीं आएगा, कहीं से न कहीं विचार हमारे जन्म होते हैं। और आप जिस विषय को लेकर 3 दिन बैठेंगे उसका एक छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए एक असर क्या हो सकता है, इसकी चिंता होगी। और हमने जिस विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में अपनी जिस स्टेट के बारे में कहा जा रहा था कि जिसका जन्म 2000 में हुआ छत्तीसगढ़, 2000 के पहले हम मध्य प्रदेश के हिस्सा, और उसके पहले राज पुनर्गठन के पहले CPN बरार का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। 2000 से यात्रा में 2016-17 की यात्रा 16 में हमने 16 साल पूरे किए। और मैं कह सकता हूं कि प्रशासनिक स्तर में भी, लीडरशिप में भी इनोवेशन की आज जरूरत है। पुरानी परंपराओं को तोड़कर कुछ ऐसे निर्णय लेने की जरूरत है जो न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बल्कि लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे पॉलिसी में उन चीजों को जोड़ सकते हैं जो आने वाले स्टेट की छोटी और बड़ी उद्योग को सर्वाइव करने के लिए नेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस कैसा उसका बने, इसके लिए पॉलिसी का सपोर्ट मेरे इंडस्ट्री सेक्रेटरी बैठे हैं सुबोध सिंह जी, और पूरी युवा टीम है छत्तीसगढ़ में जिसमें हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम कैसे बेहतर तरीके से प्रक्रियाओं को सरल करें, हम खुद अपने आप परिवर्तन करें। और न केवल समाज के इन क्षेत्रों में बल्कि जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूं आज, या राजनीति का क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ को मैं आज देख रहा हूं, हमारा स्टेट एक नया राज्य है। और वैसे ही स्टार्टअप स्टेट कहता हूं जिसका जन्म 16 साल पहले हुआ, जिसके अंदर एक साहस है नए निर्णय लेने का, इनोवेशन समाज के सभी क्षेत्रों में करने का, चाहे बस्तर के नक्सल समस्या हो या सरगुजा की समस्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या पावर का हो, एजुकेशन का हो या हेल्थ का, अपने लाइन से हटके, लीक से हटके कुछ ऐसे काम किए जिसका असर देश में पड़ा। मुझे लगा कि पॉवर्टी एलिवेशन एक मुद्दा बन के रह गया। IMR, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, MMR, माल न्यूट्रिशन, ये लगता था इस नए राज्य के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पलायन।
उसके लिए हमने सीधा एक निर्णय लिया, जिसकी कभी सुप्रीम कोर्ट तारीफ भी करता है, कुछ लोग मेरी आलोचना भी करते हैं कि डॉक्टर मन तो लुटाता है पैसा, मगर मैंने कभी पैसा नहीं लटाया। मैंने एक विकल्प ढूंढा, यदि छत्तीसगढ़ में गरीबों की संख्या ज्यादा है, 40-40% बीपीएल है और आईएमआर एमएमआर माल न्यूट्रिशन ज्यादा है, उसके लिए एक साथ निर्णय लिया और हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, पीडीएस लाया, 60 लाख लोगों को यदि हम चावल नमक और चना दे रहे हैं, आप आश्चर्य करेंगे कि भूखे पेट को आप कैप्सूल देके उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकते, आईएमआर एमएमआर कम नहीं कर सकते, जब तक दो टाइम खाने की व्यवस्था ना हो, उसकी चना दाल नमक। आज चमत्कारिक रूप से आईएमआर में एमएमआर में माल न्यूट्रिशन में मैं परंपरागत तरीके से सोचता तो कभी नहीं होता। हमने आंगनबाड़ी की और फुलवाड़ी की एक कंसेप्ट लाया, 0-3 ईयर के बच्चों को कैसे उन्हें बेहतर हम न्यूट्रिशनल फूड दें, उनके लिए योजना बनी, उसका असर होता है। 102-108 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कैसे प्रमोट करें, मैं इसलिए इस फोरम में बोल रहा हूं क्योंकि आप नई चीज सोचते हैं, एक नया वर्क कल्चर। और जिस मैं एक छत्तीसगढ़ का उदाहरण दूंगा, सेल के सारे प्लांट कभी नुकसान और कभी घाटे और कभी फायदे में चलते हैं, और भिलाई स्टील प्लांट के बारे में कहा जाता है कि इस पिछले 6 महीने को छोड़कर पिछले 40-50 साल में ज्यादातर समय वो फायदे में रहा, प्रॉफिट मेकिंग वो यूनिट रहा, जो कि भिलाई का एक वर्क कल्चर है। ये इसका एक असर हुआ और छत्तीसगढ़ के अंदर इंडस्ट्री की संभावना बनती है, इसलिए कि यहाँ अब हमने इसके लिए स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना, 4 से 8 कॉलेज थे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे पास, IIT, IIM, NIT, छत्तीसगढ़ में आ गया, बेहतर तरीके से उनसे मैं बहुत निवेश की संभावना। अभी 3-4 दिनों में डेलीगेट्स आए थे चाइना के अलग अलग प्रोविंस के, उनको लगता है कि छत्तीसगढ़ में संभावना है क्योंकि हमारे पास पावर है, हमारे पास स्टील है, हमारे पास सीमेंट है, हमारे पास एल्युमिनियम है, स्किल मैन पावर है, लैंड है, वेल कनेक्टेड है हिंदुस्तान के बाकी कोने से। तो एक ऐसा स्टेट जिसके पास फ्यूचर के लिए बड़ी संभावना है, और वो जब तलाशते हैं हिंदुस्तान के 15-20-25 राज्य के बीच में, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, उनको छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ संभावनाओं से भरा हुआ स्टेट है जिसको फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, ये ऐसा डेस्टिनेशन है जो आने वाले 50 साल में हिंदुस्तान का 7 राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ है, 25 करोड़ के पॉपुलेशन के बीच में है, और वो सारी संभावनाएं छत्तीसगढ़ में है जो किसी एक राज्य को मजबूती से आर्थिक दृष्टि से खड़े होने के लिए जरूरत है। और वो तेजी के साथ 16 साल या 20 साल की 2000 से 2016 16 साल की यात्रा में हम आज खड़े हैं, जहां पलट के देखते हैं जो छत्तीसगढ़ में, और ऐसे आयोजन जो आप कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अलोके जी को और पूरी टीम को। ये भी एक बेहतर काम है जो हमें पॉलिसी में सपोर्ट कर रहा है, जो आज प्रधानमंत्री जी की स्वच्छता अभियान में पूरे देश में ODF के लिए जो उन्होंने एक बड़ा अभियान छेड़ा है, और हम छोटे छोटे काम करने के तरीके से, रेलवे के अंदर सफाई कैसे हो सकता है, हमारा रेलवे के प्लेटफॉर्म कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, वहां के कर्मचारी बताएंगे कि हम उसमें थोड़ा सा काम उतने ही समय में करें, बेहतर तरीके से उसको मैनेज करें, तो वो रेलवे स्टेशन अपने आप में एक स्कूल है। उस स्कूल में मैं गया तो चारों तरफ गार्डन पेड़ लगे हुए थे, बाउंड्री वॉल था स्कूल के, ब्लैक बोर्ड में और उसके दीवारों में अच्छे चित्र बने हुए थे, स्कूल में व्हाइट वॉश किया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से बैठने की व्यवस्था थी। मैंने उस प्रिंसिपल से पूछा कि तुमने क्या इतना अतिरिक्त तुम्हें पैसा मिल गया जिससे तुम निकल लिया, उसने कहा मुझे कोई अतिरिक्त पैसा नहीं मिला, मैंने यहाँ के टीचर से यहाँ के बाकी लोगों से को बोलकर उनको ही 1 घंटा समय देने के लिए कहा, और वो स्कूल आज छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतर स्कूल है क्योंकि चारों तरफ उसमें हरियाली है, ड्रिंकिंग वाटर की बेहतर व्यवस्था है, अच्छा से वहाँ पे अच्छे टॉयलेट बन गए। आज वो हमारी कल सोच में बदलाव, और इंडस्ट्री में तो इतनी बड़ी गुंजाइश है छत्तीसगढ़ में कि मैं सोचता था कि पावर प्लांट में रोज नए प्रयोग होते हैं, मगर कम से कम पानी यूज करके हम पानी की आवश्यकता को कैसे करें, ऐसी हमारे प्लांट कैसे बने,
जो कम से कम वाटर से उसका यूज हो, पॉल्यूशन कम हो, वेस्ट जो हमारे धुएं उड़ जाते हैं उससे एनर्जी कैसे हम बनाए। नए नए प्रयोग हमने शुरू किया, हमने एक प्रयोग यहाँ पे किया कि जेट्रोफा से हम डीजल बना के कैसे हम विदेशी मुद्रा को बचा सकते हैं, उसके लिए भी प्रयोग किया। प्रयोग हमने लगातार कुछ न कुछ करते रहे, मगर आज मुझे खुशी है आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं तो अपनी शुभकामना देने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि आप सबको जो यहाँ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर के बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ पहुँचे हैं, उन्हें भी और छत्तीसगढ़ के जिनको आज यहाँ पे सम्मानित किया उन्हें भी बधाई देता हूँ। और ये प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में आप जितने फिट रहेंगे, जितना तेजी के साथ काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा न केवल इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपका सम्मान मिलेगा, उससे बड़ी बात सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि का भाव जिस दिन होता है, कहीं भी किसी फैक्ट्री के मालिक हो, उसमें काम करने वाले मैनेजमेंट पे हो या वहाँ पे कर्मचारी हो, उन्हें लगता है कि मैंने अपने संतुष्टि के लिए भी, जीवन में एक चीज होता है वो संतुष्टि, किसी काम से आपको सुख मिला। मैं पॉलिटिक्स में हूँ, उसके पहले मैं डॉक्टर था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसे डॉक्टर में बहुत इंजॉय करता था, मगर इंजॉय करता था, मजा आता था, मगर कमाई बहुत कम होती थी क्योंकि मेरे अधिकांश मरीज ऐसे थे जो मुझे पैसा ही नहीं देते थे। तो घर में पूछते थे फादर मदर कि यार भीड़ तो बहुत रहती है, पैसा कम लाते हो, उनको लगता था कोई गलत तो नहीं कर रहा है। तो मैं कहा नहीं, लोग आते हैं, मगर ये हालत है समाज की कि उनसे मैं बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं कर सकता, आते हैं, मेरे पर विश्वास है, और उसी विश्वास ने मुझे विधायक बना दिया, उसी विश्वास ने मुझे केंद्र में मंत्री बना दिया, उसी विश्वास ने मुझे 3 बार इस राज्य में चुने। ये सारी बातें आप विश्वास अर्जित करते हैं एक ब्रांड का, किसी भी का, वो चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, इंडस्ट्री का हो, और उसके पीछे आप जैसे हजारों लोगों की ताकत लगती है, अकेला कोई कुछ नहीं करता, इस ताकत की बदौलत ही वो सर्वाइव करता है, आगे बेहतर काम करता है। मुझे इस सेक्टर में हम जो भी निर्णय पॉलिसी में नए नए सोच, नए नए विचार हम करते हैं, काफ़ी अच्छे स्टार्टअप भी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, काफ़ी यूथ भी आ रहे हैं, और इसमें से जो 100 सेलेक्ट होंगे उन्हें भी इंटरनेशनल स्तर में जाने का अवसर भी मिलेगा। तो मैं आज ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप सबने मुझे आमंत्रित किया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और ये प्रयास सतत जारी रहे, मेरी यही आप सबके लिए शुभकामना। Gentlemen, as a token of our honor and gratitude for our honorable CM sir, I request Sri S.J. Kaloke, President QCFI, to present a memento to CM sir, please. Inspirational talk for the evening. I hope all of you would have really enjoyed it. Thank you very much, sir. You now request the volunteers to please remove the chairs from the dais, for we have a very interesting cultural program on the cards. So I would request you to kindly remove the chairs from the dais. Ladies and gentlemen, please be seated. We still have a few programs which will be a real treat to your eyes. Yet again, for the first time in the history of the quality initiatives in India, QCFI is privileged to be associated with JUICE, a premier institution of Japan, for 5S certification, and the first set of organizations in the entire country which is jointly by QCFI and JUICE, a premier institution of Japan, for 5S certification. Adani Power Maharashtra Limited, Tiroda. The second organization, Adani Power Rajasthan Limited, Kawai.
Adani Power Rajasthan Limited, Kawai. Are you there, sir? The third organization, the next, JP Biscuits Private Limited, Umbegon, from JP Biscuits Private Limited, Umbegon. And the next gentleman joining is from Pahlad Rai Confectionaries Private Limited, Kanpur. The next organization is from Parle Biscuits Private Limited, Nashik. Parle Biscuits Private Limited, Nashik. The next organization, Patwari Bakers Private Limited, Wada. The organization receiving the award on the stage is Parle Biscuits Private Limited, Nashik. Inspirational talk for the evening. I hope all of you would have really enjoyed it.